हमारे ससुर जी की डिमांड है कि ससुर जी की डिमांड ये है कि हमें चाहिए मोरवायती की भाजी खाना है, तो इसलिए सुबह लेके आ गए। तो वैसे उनकी इच्छा थी, तो हम डिमांड कैसे नहीं कह सकते, मतलब इच्छा थी तो इच्छा उनकी पूरी करने के लिए ये लेके आए। उनकी वैसे तबीयत बहुत ज्यादा डाउन चलने लगी है आज। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। सुबह के अभी 9 नहीं बजे हैं, ब्लॉग शुरू कर दिया है। मैं उठी हूँ 7 बजे की, 2 घंटे जब तक मेरा लंच वंच ये सब तैयार होता है। तनिष हर्षू जा चुके हैं, तनिष स्कूल गया है, हर्षू एग्जाम देने गया है, उसके 3 मई के पेपर शुरू हो चुके हैं तो वो एग्जाम देने गया है। लावण्या को नहीं जाने दिया क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो जाएगी दादी के साथ दवाई लेने के लिए। मैं घर का काम कर रही हूँ, उसके बाद जाऊंगी शॉप पर। और आज खाने में बना रही हूँ मैं हरे टमाटर की सब्जी, बन चुकी है। चावल बनाऊंगी मैं, ये अरबी और हरे टमाटर, तो हमारे घर में आज बनेंगी ये हरे टमाटर। तो फटाफट काट लेते हैं क्योंकि 9 बजने वाला है, इनको चाहिए 9:30 बजे तक सब्जी रोटियाँ मतलब खाना पूरा रेडी। तो ये खाना खा के फिर शॉप पे जाएंगे, जब तक मैं जल्दी से कर लेती हूँ रेडी। अभी आधा घंटा है मेरे पास, तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ और फिर रेडी होकर चलेंगे शॉप पर, और कुछ लेने भी जाना है। तो देखते हैं क्या करते हैं आज, और भी बहुत कहीं मार्केट जाएं या कहीं जाते हैं। आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिलहाल अभी मैं घर का खाना बना लेती हूँ। मैं अभी रेडी हो पाई हूँ और इतने सारे कपड़े धो दिए, तो मैं काम करके खाना वाना बना के ये इतने ढेर सारे कपड़े मैंने सब धो के डाले। 12:30 हो चुका है रेडी होते हुए। दुकान लावण्या ने खोल ली है, आज वो रुकी हुई थी, तबीयत थोड़ी डाउन थी, लेकिन वो दवाई लेके आ गई थी दादी घर से, दादी के साथ जाके, मगर देर हो रही थी मुझे दुकान को, तो मैंने कहा तुम खोल लो मैं आ रही हूँ। मैं बनाए मैंने टमाटर हरे वाले, और इसमें बनाए मैंने चावल, ये देखिए कितने बढ़िया। और ये रात के लिए मैंने मुरवाइती उबाल के रख दी है। बनाई मैंने रोटियां, तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ और फिर चलते हैं दुकान, और ये शाम को आन के बनाऊंगी। क्योंकि हमारे ससुर जी की डिमांड है कि ससुर जी की डिमांड ये है कि हमें चाहिए मुरवाइती की भाजी खाना है, तो इसलिए सुबह लेके आ गए। तो वैसे उनकी इच्छा थी, तो हम डिमांड कैसे नहीं कह सकते, मतलब इच्छा थी तो इच्छा उनकी पूरी करने के लिए ये लेके आए। उनकी वैसे तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चलने लगी है आजकल, बहुत ज़्यादा दुबले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी, तो उनके मुरवाइती खाने की इच्छा हो रही थी, तो इसलिए मैं शाम को बनाऊंगी। क्योंकि सुबह वो खाना खा लेते हैं, जब तक मेरी बन ही नहीं पाती, तो अब शाम को मुरवाइती की भाजी भेजूंगी जल्दी से, मैं खाना खा लेती हूँ। लिया मैंने खाना, बस इतना ही खाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि खट्टे रहते हैं ये हरे वाले टमाटर, मुझे ज़्यादा हरे टमाटर पसंद नहीं है, तो मैं तो थोड़े चावल के साथ खाऊंगी और खाना खा लेते हैं। हो चुका है तुरंत, अब मैं जा रही हूँ शॉप पर। लावण्या हर्षु तनिष लावण्या हर्षु को भेज दूंगी यहाँ पे, और तनिष भी आ जाएगा जब तक। अब चलते हैं अपन। मैं आ चुकी हूँ शॉप पे, और आगे कपड़े टांगे, आधे नहीं टांगे, मैं बैनर भी टांगूंगी, मैं सिलाई कर लेती हूँ। मैंने कन्हैया जी कपड़े बना के सिलाते हैं चुकी है, और मैंने ये ब्लाउज भी सिला है, ग्राहक आया तो उनका ब्लाउज काट लिए, सिल दिए, वो रखे हुए मशीन पर, और बाकी कल सिलूंगी। दीदी आई थी, रानी दीदी सीख के चली गई, तो चलते हैं अभी घर पर। सब्जी बन चुकी है और भाई थी की, तो अब बैठे हैं हम थोड़ा फ्री हो गए, तो कन्हैया जी के साथ थोड़ा टाइम बिता रहे हैं। कन्हैया जी हैं हमारे पास, हम टाइम बैठे थे तो हमने इनको भी ले लिया, और मोहन जी भी हैं हमारे साथ। ये मोहन जी को बताते हैं, ये देखिए सुंदर से हमारे मोहन जी, छोटे से हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे सुंदर है। और हमारे कन्हैया जी हैं, इनका मुकुट हमने वहीं रख दिया जो गिर जाता है, इसलिए हमने क्या अभी अपने साथ डाल लेते हैं, थोड़ा खेल लेते हैं। सुंदर है हमारे कन्हैया। हो चुका है खाना, और मुरवाइती की भाजी बनाई थी इसी के साथ। आज अब ब्लॉग भी हम यहीं पे ऐड करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट।